Dear students, welcome on RCE online Patsala. Today we start GP पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए और ये किस प्रकार से योगफल ज्ञात करते हैं. तो देखिए, इस श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है, इसलिए देखिए अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है. एस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ये हम आपको बता चुके हैं. जिस प्रकार से आपने एस एन इक्वल टू क्या सीखा था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर देन वन था. और ऐसे ही क्या था, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर लेस देन वन है और एन ए था जब r इक्वल टू वन था. ये फॉर्मूले किसके हैं, जब पदों की संख्या n हो तब गुणोत्तर श्रेणी का योगफल इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जाता है. और जब पदों की संख्या अनंत हो, अनंत मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, उस टाइम गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए हम s इनफिनिटी इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर का फॉर्मूला यूज करते हैं. अब देखिए उसके बाद इसके आगे देखिए, देखो a इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद क्या है वन, उसके बाद देखो r इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म तो ये रहा और एडजेसेंट प्रीवियस टर्म क्या हुआ वन. अब वन का इसमें डिवाइड करना या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप क्या लिखो यहां पर वन बाई फाइव. अब उसके बाद केवल वैल्यूज को पुट करो और आंसर ले लो. एस इनफिनिटी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है वन अपॉन वन माइनस आर की वैल्यू क्या है वन बाई फाइव. अब देखो वन अपॉन यहां पे अपॉन वन कर लो, एलसीएम क्या आएगा फाइव, तो फाइव माइनस वन, उसके बाद क्या होगा वन अपॉन फोर अपॉन फाइव, और यहां से क्या होगा फाइव माइनस वन क्या होगा फोर, फोर अपॉन फाइव. अब इसको आप ऐसे कर दो, ये आपने टेंथ क्लास में सीखा है, और यहां से क्या आया फाइव बाई फोर. इस प्रकार से हमने अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझ लिया है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि x इक्वल टू वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफिनिटिव, तब y बराबर है, और इसके चार ऑप्शन है x अपॉन x माइनस वन, बी ऑप्शन है x अपॉन वन माइनस x या x माइनस वन अपॉन x, और डी ऑप्शन है वन माइनस x अपॉन x. देखिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया, उसके बाद x इक्वल टू, अब मुझे इस चीज के बारे में बताना है कि इसका एडिशन या योग कितना आएगा. तो देखो ध्यान से इसको समझने के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है, अनंत है. तो आप देखो इसको थोड़ा सा यू सोच लिख के देखो, वाई स्क्वायर वाई क्यू ऐसे करते करते और वाई की पावर ये चलता जाएगा कहां तक, इनफिनिटी तक. उसके बाद देखिए मैं ये चेक करना चाहूं कि ये जीपी है या नहीं है, तो क्या करना है आर सार्व अनुपात वाई अपॉन वन, यहां क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई या वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो सब क्या आ रहा है वाई के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जीपी है क्योंकि सार्व अनुपात समान है. अगले पद में ठीक पिछले पद का भाग देने पर, अगले पद में ठीक पिछले पद का भाग देने पर हमें सेम क्वांटिटी मिल रही है. उसके बाद देखिए अगर आप इनको योगफल कर रहे हो तो क्या होगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इस तरीके से नजर आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है. अब अनंत पदों का श्रेणी जो जीपी है उसका योगफल का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर होता है. अब देख लो आप ए का वैल्यू क्या है, पहला पद यानी वन अपॉन वन माइनस और वाई आर का मतलब क्या है वाई, तो ये लो. उसके बाद कुछ नहीं करना था,
अनंत पदों के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, जिसमें ए क्या होता है प्रथम पद, आर क्या होगा अगले पद में पिछले पद का भाग दे दो, अगले पद में पिछले पद का पिछला भी ठीक पिछला होना चाहिए, वाई क्यूब में वाई स्क्वायर कर दिया, सब बार हमें क्या हुआ इक्वल वाई मिला, यही हमारा सारा अनुपात है। और अब सूत्र मिला लिख दो, तो ए का वैल्यू क्या आया वन, आर का वैल्यू क्या है वाई, तो ये रहा। अब उसके बाद देखो एक्स अपॉन वन कर लो, अब क्या करो वर्ग गुणा, इसको इससे करो एक्स इंटू वन माइनस वाई, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा वन। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा, बराबर होगा वन। अब उसके बाद देखो एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई, देखिए ये एग्जाम्पल मैं कई बार यूज करता हूं, जैसे आप ये दोनों 50 के नोट हैं और आप यू भी करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आप दोनों को एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा माइनस का एक्स वाई, और इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस एक्स माइनस वन ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट लगा है, इस पूरे को मैंने सिंगल डिजिट बोला है तो माइनस एक्स माइनस वन, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, और यहां से वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, कौन से ऑप्शन से मैच किया है सी से। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है।